डिफेंस से लेकर बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेलंगाना के लिए आने वाले 5 साल तेज विकास के होंगे। हसन चेरापल्ली एलपीजी पाइपलाइन से भी इस क्षेत्र को काफी फायदा हुआ है। यहां युवाओं के लिए जॉब के, रोजगार के अनगिनत अवसर बन रहे हैं। साथियों, बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इस मंत्र पर चलती है। ये बीजेपी सरकार है जिसने ट्रिपल तलाक के बहाने मुस्लिम बेटियों पर हो रहे अत्याचारों को खत्म किया है। ये बीजेपी की सरकार है जिसने स्कूलों में बेटियों के लिए अलग से लाखों शौचालय बनवाए। इससे मुस्लिम समाज की बेटियों को भी लाभ हुआ। 10 साल में बहनों को पहली बार टॉयलेट, गैस, पानी जैसी सुविधाएं मिली है। पहली बार उनको भी पक्का घर, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। इसलिए हर मां बहन कह रही है, मातृशक्ति कह रही है, फिर एक बार। साथियों, बीआरएस को दिया आपका वोट कांग्रेस को ही मदद करेगा और कांग्रेस को दिया आपका वोट भी केंद्र में सरकार नहीं बना सकता। इसलिए आपको भारी संख्या में भाजपा के पक्ष में कमल के निशान पर बटन दबा करके मतदान करना है और भाइयों बहनों, क्या मेरा तेलंगाना मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है? सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है? ज्यादा से ज्यादा मतदान करा सकता है? इस चुनाव में भाजपा सभी लोकसभा सीट तो जीतने वाली ही है, लेकिन मुझे ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ जीतने हैं। क्या पोलिंग बूथ जिता सकते हैं? पोलिंग बूथ जिताएंगे, पूरी ताकत पोलिंग बूथ जिताने में लगाएंगे। भाइयों बहनों, इस चुनाव में सिकंदराबाद से मेरे साथी जी किशन रेड्डी जी, हैदराबाद से बहन माधवी लता, आप मलकाजगिरी से श्री एटला राजेंद्र, चेवल्ला से श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और भुवनगिरी से डॉक्टर बुरा नरसैया गौड़, इन सभी साथियों को विजय बनाना है। बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा पर्सनल काम है, करोगे? ये मोदी का पर्सनल काम है, करोगे? इनमें से किसी का काम नहीं है, मेरा है, करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, करोगे? अच्छा, तो मेरा काम बहुत सरल है। ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए, उन सबको मिलिए और उनको कहिए, मोदी जी हैदराबाद आए थे, आप सबको नमस्कार कहा है, परिवार में सबको जय श्री राम कहा है,
मेरा नमस्कार पहुंचाएंगे, मेरा जय श्री राम पहुंचाएंगे। जब परिवार के सब लोगों को मेरा नमस्कार पहुंचेगा, मेरा जय श्री राम पहुंचेगा, तो परिवार के हर कोई मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब परिवार के हर व्यक्ति मुझे आशीर्वाद देता है तो मेरी ऊर्जा अनेक गुना बढ़ जाती है और मैं उसे आपकी सेवा अधिक क्षमता के साथ कर सकता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।